कुल्लू दशहरे में जहां लोक नृत्य के दौरान पारंपरिक लिबास देखने को मिल रहे हैं, वहीं लोग मेला देखने के लिए भी इन्हीं कपड़ों में पहुंच रहे हैं। पुरुष जहां कुल्लवी टोपी पहने नजर आ रहे हैं, वहीं महिलाएं सैकड़ों साल पुरानी अपनी परंपरा में लिपटी हुई पहुंच रही हैं। दूर दूर से लोग कुल्लू का दशहरा देखने के लिए कुल्लवी कपड़ों में सजधज कर पहुंच रहे हैं। महिलाएं अपने कपड़ों के ऊपर पट्टू ओढ़ती हैं, जो चटक रंग के धागों से बना होता है। इसके अलावा सिर पर ढाटू पहना रहता है, जिसे थीपू भी कहते हैं। इस परिधान के साथ साथ कुल्लू घाटी के पारंपरिक गहने पहने जाते हैं। आजकल कुल्लू दशहरे में जहां लोक नृत्य के दौरान पारंपरिक लिबास देखने को मिल रहे हैं, वहीं लोग मेला देखने के लिए भी इन्हीं कपड़ों में पहुंच रहे हैं। पुरुष यहां कुल्लवी टोपी पहने नजर आ रहे हैं, वहीं महिलाएं सैकड़ों साल पुरानी अपनी परंपरा में लिपटी हुई पहुँच रही है। बिना गहनों के कुल्लू की महिलाओं का श्रृंगार पूरा नहीं होता। बता दें कि परंपरा का ये नजारा कुछ चुनिंदा मौकों पर ही देखने को मिलता है, जैसे कि शादी या फिर उत्सव। वहीं अगर कुल्लू के पारंपरिक गहनों की बात की जाए तो नाक, गले, कान और माथे के लिए अलग अलग गहने होते हैं। इन गहनों का अलग इतिहास रहा है, मगर कुल्लू को इस बात का गर्व आज भी है कि यह परंपरा कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, केशनल।